नमस्कार, मैं TS नीलाब देख रहा हूँ, वॉइस ऑफ बिलाई है और कैमरामैन राजेश के साथ। अभी हम लोग खड़े हैं रुआबंदा बस्ती। ये एक ज़माने में रुआबंदा गांव हुआ करते थे, जब BSP ने इसको टेकओवर किया और जो ज़मीनों को जो टेकओवर कर रहे थे बिलाई स्टील प्लांट, उस वक्त ये एक गाँव था। उसके बाद धीरे धीरे ये बस्तियाँ बढ़ी और काफ़ी लोगों को यहाँ पर पट्टा भी दिया गया है। अब इन लोगों को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। यहाँ के अधिकांश लोग कामगार लोग हैं, रोज कमाओ रोज खाने वाले लोग हैं और कुछ दुकानें भी, छोटे मोटे दुकानें भी खोले हुए हैं और उस दुकान से लोगों का खर्चा निकलता है, वो बच्चों का पढ़ाई वगैरह निकलता है। मैं कुछ स्त्रियाँ यहाँ पे बैठी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, मैडम आप लोगों के साथ क्या परेशानी है? क्या बोलूँ बताइए, बोलवा नहीं, आप लोगों के साथ क्या परेशानी है, आप लोग कुछ बोलेंगे? देखिए यहाँ पर ऐसा है कि जो लोग बैठे हैं वो छोटे लोग हैं और माइक के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं और हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि मैडम कुछ क्या परेशानी आप लोग को? हमारे को ये परेशानी कि हमारे 40 वर्षों से यहाँ दुकान है और हमको यहाँ से हटाया जा रहा है और हम पूरे ग्रामीण एक होके, पहले ग्रामीण में आ रहा है ये, पूरे ग्रामीण एक होके यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमको अपना हमारा अधिकार दिया जाए। हम इतने सालों से यहाँ हैं और हमको हकार रही है BSP यहाँ से। आप कितने सालों से यहाँ पे? 40-50 साल से हैं हम तो। मतलब आपके जो माता पिता थे वहाँ से हैं आप लोग? हमारे ससुर जी है, सब यहीं के है रहवासी सब। अभी आप सुन रहे थे कुछ स्त्रियाँ ये कह रहे हैं कि ये लोग यहीं पर ही जन्म भी यहीं हुए, शादी होके यहाँ पे आए हुए लोग हैं। और कुछ लोगों से मैं और जानना चाहूँगा कि क्या परेशानी है, मैडम कुछ परेशानी बताएंगे? ये बात यह है कि ये जो साधारण लोग हैं, रोज कमाओ रोज खाने वाले लोग हैं, इसलिए क्या है कि ये लोग कुछ भी बताने में माइक को देखते हैं तो डर जाते हैं। धन्यवाद।